एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्कूल स्टडी में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये सीरीज़ का हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है। एंड फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किया, जिसमें हम लोगों ने कवर किया था स्पेसिफिक हीट के बारे में। एंड सेकंड हमने कवर किया था थर्मल कंडक्टिविटी एंड थर्ड में डिफ्यूजिविटी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इन सभी को रिवाइज कर लेते हैं एक बार, कि इनके सिर्फ फॉर्मूले हमको रिवाइज करना रहता है, बिकॉज द गेट एग्जामिनेशन द फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो देखिए, सबसे पहला फार्मूला था हमारा स्पेसिफिक हीट का। तो स्पेसिफिक हीट का हमारा जो फार्मूला है वो होता है Q अपॉन m डेल्टी, जहाँ पर Q जो है हीट है एंड m जो है मास है एंड जो डेल्टी है इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि स्पेसिफिक की बात है। सेकेंड हमारा होता है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का जो फार्मूला था हमारा, दैट इज Q x upon m into delta, जहाँ पर जो Q था हमारा वो क्वांटिटी ऑफ हीट थी, x जो थी थिकनेस थी हमारी, एंड a जो है एरिया है, एंड T1 - T2 जो है हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है, दैट इज़ कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल डिफ्यूजिविटी की जब बात करते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला आता है दैट इज़ अल्फा इज इक्वल टू के अपॉन रो सी पी, जहाँ पर के जो था हमारा थर्मल कंडक्टिविटी एंड रो जो है डेंसिटी है एंड सी पी इज़ द हीट, स्पेसिफिक हीट। नेक्स्ट देखते हैं हमारी आज की जो नई प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग, सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट क्या होता है? द हीट विच कॉजेज एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी विदाउट चेंजिंग इट्स स्टेट इज नोन एज सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट जो होती है ये एक इस प्रकार की हीट होती है जो कि हमारी बॉडी में मतलब बढ़ते और कम होते रहती है, लेकिन इसका जो प्रभाव है ये इसका कोई प्रभाव हमारी मतलब बॉडी में नहीं पड़ता, कि मतलब हमारे जो स्टेट जो है चेंज हो जाए वो चेंज नहीं होती, दैट इज कॉल्ड सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट मतलब कि गर्म भी हो सकती है और मतलब उसकी जो टेम्परेचर है वो बढ़ और कम हो सकता है बॉडी में, लेकिन उसमें कोई स्टेट जो है उसकी चेंज नहीं हो रही है, दैट इज कॉल्ड सेंसिबल हीट। द हीट कंटेंट और सेंसिबल हीट ऑफ मटेरियल इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। देखिए, सेंसिबल हीट को हम लोग हीट कंटेंट भी कहते हैं, है ना। व्हेन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन हीट कंटेंट से आ जाता है और हमें सेंसिबल हीट होती करके भी पता नहीं होता, सो दैट्स वाई हीट कंटेंट को ही हम लोग सेंसिबल हीट कहते हैं। सेंसिबल हीट का क्या फॉर्मूला होता है? मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। तो सेंसिबल हीट क्या होती है? मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब एम सी पी डेल्टी। टेम्परेचर डिफरेंस मतलब T1 T2, किसी बॉडी से अगर टेम्परेचर का डिफरेंस करवाना है तो एक बॉडी की कोई थिकनेस होगी जहाँ से यहाँ से ऐसे टेम्परेचर वो होता है, तो यहाँ T1 - T2, है ना। तो ये हो गया सेंसिबल हीट का फॉर्मूला, Q = mCp∆T, और जब इसको और एलेबरेट करेंगे तो mCp T2 - T1। टेम्परेचर डिफरेंस तो हाई में से लो होता है ना, तो दैट्स वाई। जहाँ पर जो Q है हमारा हीट कंटेंट और सेंसिबल हीट है, m जो है हमारा मास है इन kg, Cp जो है स्पेसिफिक हीट है जूल पर kg केल्विन में लेते हैं हम लोग, डेल्टी जो है हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है इन केल्विन, T1 जो है इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड T2 जो है फाइनल टेम्परेचर ऑफ बॉडी। तो ये था हमारा सेंसिबल हीट का। नेक्स्ट देखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट कंटेंट की, यानी सेंसिबल हीट की दर क्या है चेंज होने की। जैसे कि आप सभी को देखिए, मैंने हीट कंटेंट बताया था कि उसी को हम लोग कहते हैं, तो वही। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट कंटेंट, द इक्वेशन फॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट कंटेंट ऑफ हीट ऑफ मटेरियल इज गिवन बाय Q = m.Cp∆T। रेट क्या है चेंज होने की, दैट इज कॉल्ड दिस फॉर्मूला, वी सो दिस फॉर्म। तो जहाँ पर जो हमारा m है ये मास फ्लो रेट है, कि कितना मास उसमें से मास कितना फ्लो रेट हो रहा है मतलब, और इसको जब एलिब्रेट करते हैं हम लोग तो m की जो वैल्यू होती है वो a रो एंड v के इक्वल होती है, a रो v, है ना, m इज इक्वल टू ए रो वी। और जैसे कि सी पी एंड डेल्टी जो है जैसे का वैसा आएगा, तो जो ये हम लोग यहाँ पर m डॉट की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हमारी m डॉट की वैल्यू हो गई सी पी की और ये डेल्टी, जहाँ टेम्परेचर डिफरेंस। और इसको जब हमारा एरिया होता है तो एरिया जो हमारा होता है π/4d² रो वी सी पी डेल्टी। तो ये हमारा हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट कंटेंट। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट कंटेंट्स क्या होता है हमारा, कि Q = π/4d²
rho v cp upon cp into del t. When we solve the question, so we'll revise again the this formulas. But क्या है, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका बेसिक पढ़ लेंगे ना अगर हम लोग, तो हमें बहुत आसानी जाएगी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए. और ये सब प्रॉपर्टीज है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए जब आप इतनी बड़ी बुक को सॉल्व कर रहे हैं, है ना. तो ये सब प्रॉपर्टीज आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है. जहाँ पर क्यू जो है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट कंटेंट है, एम जो है मास फ्लो रेट है इन के जी पर सेकेंड, सी पी जो है स्पेसिफिक हीट है जूल पर के जी केल्विन, डेल्टी जो है हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है, डी जो है हमारा डायमीटर ऑफ पाइप इन मीटर, नेक्स्ट है वी, वी क्या है हमारे यहाँ वेलोसिटी है, सी पी जो है स्पेसिफिक हीट होती है, एंड डेंसिटी को होती है डेंसिटी मास पर वॉल्यूम. तो यहाँ पर देखिए डेंसिटी ऑफ फ्लूड दी हुई है ये रो. अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आ रही है, जो भी आगे जब आते जाएगी तो हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिसकी. देखिए हमारी एक प्रॉपर्टी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, व्हाट इज द डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ यूनिट मास. ऐसी हमें इतनी अमाउंट की हीट चाहिए जो कि जरूरत होती है हमें किसी यूनिट मास को कन्वर्ट करने की, ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट. हमें इतनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए जो कि सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दे विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर, इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना. तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. फ्यूजन में जो होता है सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट होता है. तो देखिए हीट ऑफ फ्यूजन और सॉलिडिफिकेशन इज गिवन बाय क्यू एफ इज इक्वल टू एम लैम्डा एफ. ये उसका फॉर्मूला होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का. ये आपको क्वेश्चन में ऐसी टर्म्स दी रहेगी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बताइए, लेटेंट हीट ऑफ ये बताइए, तो ये हो गया हमारा ये प्रॉपर्टी होती है. क्यू एफ जो है हमारी क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड और लाइब्रेट, क्यू एफ जो है हमारी हीट की क्वांटिटी होती है जो कि हमारी लाइब्रेरी जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं जब वहाँ से जो हीट हमें मिलती, इसको हीट को तो हम लोग एक वो ऐसा यूनिट होती है जूल. वो यहीं पे देखें एम जो है हमारा मास ऑफ मटेरियल सॉलिडिफाइड और मेल्टेड जो है सॉलिडिफाइड और मेल्टेड के जी हो गया कितना मास को हमें मेल्ट करना है. लैम्डा एफ जो है हमारा लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन होता है और फ्यूजन, जिसे जूल पर के जी इसकी वो होती है. देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, आइस को जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो हमें कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती, तो ये है व्हेन वी कन्वर्ट द आइस इनटू आइस इन टू लिक्विड स्टेट. तो देखिए ये हमारे हो गए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है ऑफ आइस 335 किलो जूल पर के जी, 335 किलो जूल पर के जी. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने हाईलाइट कर दिया था पहले ही, सो दैट इज इंपॉर्टेंट. लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज 335 किलो जूल पर के जी. और लेटेंट हीट पर अगर वाटर को फ्रीज किया जाता है तो उसमें भी जो है हमारा 335 किलो जूल पर के जी होता है. हाँ अब देखते हैं हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. वेपराइजेशन मतलब वेपर में कन्वर्ट करना है भाई, लिक्विड टू वेपर. तो देखते हैं इसमें क्या डेफिनेशन क्या लिखा गया है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ यूनिट मास ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड टू सैचुरेटेड वेपर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. देखिए वेपराइजेशन जैसे ही आप लोग वर्ड सुनते हैं तो आप सभी को मन में तो आते हुए कि लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना होता है. तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है हमें कि किसी यूनिट मास को जो नमी सेचुरेटेड मतलब पता नमी के इसमें लिक्विड को जो है सेचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट करने के लिए. तो दैट इज क्यू वी इज इक्वल टू एम लैम्डा वी. तो ये हमारा ये फॉर्मूला हो गया क्यू वी मतलब हीट रिक्वायर्ड, क्यू वी जो है क्वांटिटी ऑफ हीट है हमारी, एम जो है मास ऑफ गिवन मटेरियल इवेपरेटेड, कितना हमारा गिवन मटेरियल था कितना मास इवेपरेटेड हुआ मतलब कितना मास को हमने इवेपरेट किया, एंड लैम्डा वी जो हमारा लेटेंट ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन और कंडेंसेशन. अब देखिए लेटेंट हीट ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, जब हमें वाटर से या किसी भी लिक्विड को जब हमें कन्वर्ट करना होता है इन वेपर, तो हमें कितनी रिक्वायरमेंट होती है 100 डिग्री सेल्सियस में 2257 किलो जूल के पर के जी, जो किलो जूल पर के जी हीट की रिक्वायरमेंट होती है ना. तो ये हो गई हमारी
लेटेंट हीट ऑफ वेपरेज। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टर्म लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। देखिए सब्लिमेशन इज द इम्पॉर्टेंट टर्म इन विच वी कन्वर्ट द डायरेक्टली सॉलिड स्टेट इन टू वेपर स्टेट। क्या होता है डायरेक्ट कन्वर्ट होता है, जब इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस, यानी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू डायरेक्टली वेपर स्टेट। कितनी अमाउंट की हमें हीट चाहिए कि सॉलिड से हम लोग डायरेक्ट कन्वर्ट कर सके वेपर में विदाउट चेंज टेम्परेचर, और इसमें जो है बिना टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं करने पर लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन कहा जाता है। और व्हेन द रिवर्स दिस प्रोसेस लाइक वेपर स्टेट टू सॉलिड स्टेट कन्वर्ट करना तो दैट इज कॉल्ड डिपोजिशन। जैसे कि डेफिनेशन में दिया हुआ कि रिवर्स ऑफ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिपोजिशन, यानी इस प्रोसेस का रिवर्स अगर करें तो इसे हम लोग का डिपोजिशन कहते हैं। द लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस इक्वेशन। सब्लिमेशन की जो हम लोग इस इक्वेशन के द्वारा शो करते हैं क्यू एस इज इक्वल टू एम लेमडा एस, है ना, तो हम लोग एस शो करते हैं। क्यू एस इज इक्वल टू क्वान्टिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन जूल, एम जो है हमारा मास पर के जी, सॉरी मास इन के जी, एंड लेमडा एस हमारा लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। अब देखिए लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन हमें कितनी हीट चाहिए, अमाउंट ऑफ हीट बोल रहे हैं भाई, अब कितनी चाहिए ये भी तो होना चाहिए। तो हमें 2838 किलो जूल पर के जी चाहिए किसी भी सॉलिड को डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा ही होगी ना, ज़्यादा टेम्परेचर होगा जब ही ऐसा होगा। तो कितने अमाउंट ऑफ हीट चाहिए हमें, 2838 किलो जूल पर के जी, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है एंथैल्पी। एंथैल्पी तो आप सभी लोग बचपन से ही पढ़ते हैं, 11th 12th में जब व्हेन यू हैड स्टार्ट, लेकिन एंथैल्पी को हम लोग और अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। तो एंथैल्पी क्या होता है, इट इज़ द टोटल हीट कंटेंट इन अ सिस्टम। ये जो होती है टोटल हीट होती है कंटेंट, यानी टोटल सेंसिबल हीट इन अ सिस्टम कहा जाता है। हीट कंटेंट यानी क्या होता है, सेंसिबल हीट कि या तो हीट बढ़ भी सकती कम भी हो सकती विदाउट चेंज इन स्टेट, यानी एंथैल्पी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वैसे तो, कि क्योंकि हमारी स्टेट चेंज नहीं हो रही ना, दैट इज इम्पॉर्टेंट टर्म। स्टेट चेंज होती तो दूसरी हीट हो जाती, दैट इज लेटेंट हीट हो जाती। तो देखिए द एसआई यूनिट ऑफ एंथैल्पी इज जूल। एंथैल्पी की जो यूनिट होती है जूल होती है। द स्पेसिफिक एंथैल्पी इज द मेजर ऑफ टोटल एनर्जी इन यूनिट मास एंड इट्स जूल पर केजी इन सिस्टम। देखिए एक ट्रिक बताता हूँ कि जब भी आप किसी भी चीज़ की स्पेसिफिक बात किया जाए लाइक स्पेसिफिक प्रेशर, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड देर आर मैनी टाइप्स ऑफ थिंग्स, जब भी आप सभी को इन सब चीज़ के बारे में बात करते हैं कोई भी, तो आप लोग डायरेक्टली जो है वहाँ पर वो कर लीजिए, डायरेक्ट एम का डिवाइड कर दीजिए तो वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बन जाती है। जैसे कि यहाँ पर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या दिया हुआ है, देखिए स्पेसिफिक एंथैल्पी मतलब एच अपॉन एम, जब भी तो हमने जूल पर केजी लिया ना, केजी है ना मास का वो होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। एंथैल्पी ऑफ स्टीम जो होती है हमारी 2500 + 1.88 T, है ना, ये स्टीम की एंथैल्पी होती है, यानी एक स्टीम में इतनी मतलब वो रहती है। अब यहाँ टी जो है टेम्परेचर है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और टेम्परेचर टी इज गिवन बाय। अगर हम लोग को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन निकालना है और टेम्परेचर टी, तो क्या आएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का फॉर्मूला होता है लैम्डा टी इज इक्वल टू 2501 + 1.88 T - 4.18। हम लोग उसमें से 4.18 घटा देते हैं इन एंथैल्पी ऑफ स्टीम में से, सो हमारा ये निकल जाता है क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में ऑल्सो एक्सप्रेस इन टर्म एस एच एफ जी इज इक्वल टू एच जी माइनस एच एफ। हम लोग ऐसा शो करते हैं एच एफ जी इज इक्वल टू एच जी माइनस एच एफ। अभी हम लोग इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू एक्सप्रेस द एंथैल्पी टर्म एंथैल्पी, है ना। देखते हैं जहाँ पर जो हमारा एच जी है, व्हाट इज द एच जी, स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ स्टीम होती है। स्टीम की एंथैल्पी क्या होती है ये, है ना, मैंने बताया इस तरह के 2500 - 1.88 T, है ना, एंड एच एफ जो है हमारा स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ लिक्विड वाटर, और ये जो है 4.81 हमारा क्या है स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ लिक्विड वाटर को हम लोग जब उसमें से माइनस कर देते हैं तो हमारी ये निकल जाती है एंथैल्पी ऑफ ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इन टर्म एंथैल्पी, है ना, तो ये निकल गई हमारी।
देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ स्टीम एट टेम्परेचर टी एस एन डिग्री सेल्सियस इज गिवन बाय। तो लैम्डा टी एस जो है वही होगी हमारी कि स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ स्टीम में से जब हम लोग एच जी की बात करते हैं तो एच जी हमारा स्पेसिफिक होता है बट वो नहीं होगा। तो अभी हम लोग देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ स्टीम अंडर टेम्परेचर टी एस। तो लैम्डा टी एस इज इक्वल टू 2501.0 प्लस 1.88 टी एस है ना माइनस 4.1892 केजी। अब इसके बारे में देखते हैं तो 2501.0 किलो जूल पर केजी जो हमारी लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर पे एट 0 डिग्री सेल्सियस कि कितना 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर हमारा वेपर में कन्वर्ट हो रहा है कंडेंसेशन में। तो एंड 1.88 किलो जूल हमारा क्या है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वेपर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वेपर है हमारी 1.88 एंड 4.189 जो हमारा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है। जब यहाँ पर भी हम लोगों ने जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लिया था तो ये तो हमारा समझ में आ गया। वो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी स्टीम क्वालिटी। तो स्टीम क्वालिटी इज व्हाट इज द स्टीम क्वालिटी व्हेन वी डिस्कस अबाउट दिस प्रॉपर्टी। तो स्टीम क्वालिटी इज द स्टीम क्वालिटी ऑल्सो नेज ड्राइनेस फ्रैक्शन। स्टीम क्वालिटी को हम लोग क्या बोलते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ स्टीम प्रेजेंट पर यूनिट मास ऑफ स्टीम। ये जो होती है स्टीम की मास होती है इन अ यूनिट मास ऑफ स्टीम वाटर मिक्सचर। एंड द स्टीम क्वालिटी ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन इसी को हम लोग कहते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो एक्स इज इक्वल टू हमारा जो होता है मास ऑफ ड्राई स्टीम अपॉन टोटल मास ऑफ वेट स्टीम। जब व्हेन वी कैलकुलेट द ड्राइनेस फ्रैक्शन तो ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है एक्स इज इक्वल टू मास ऑफ ड्राई स्टीम अपॉन मास ऑफ ड्राई स्टीम अपॉन मास ऑफ वेट वाटर। वेट स्टीम मतलब क्या होता है उसमें हमारी दो चीज़ प्रेजेंट होती है एक तो ड्राई स्टीम प्रेजेंट होगी एंड वाटर कैन दैट इज कॉल्ड वेट। वेट मतलब नमी वाली स्टीम होती है ना वाटर भी इसमें होता है और जो होता है मास ऑफ ड्राई स्टीम। तो ये हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया मास ऑफ ड्राई स्टीम एंड मास ऑफ ड्राई स्टीम अपॉन मास ऑफ वाटर। नेक्स्ट देखते हैं इट इज एक्सप्रेस एज अ डेसिमल फ्रैक्शन जीरो अगर जीरो है तो सैचुरेटेड लिक्विड है एंड वन है तो सैचुरेटेड स्टीम है। व्हेन वी डिस्कस अबाउट द साइकोमेट्री इन नेक्स्ट लेक्चर्स सो वी विल डिस्कस दिस ऑल टर्म्स इन देयर। देखते हैं द स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम इज गिवन बाय एच इज इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी जहाँ एक्स जो हमारी क्वालिटी ऑफ मिक्सचर इन डेसिमल फ्रैक्शन एक्स क्या है हमारी क्वालिटी ऑफ मिक्सचर इन डेसिमल फ्रैक्शन एच जो है हमारी स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर एच जो है स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर इन जूल पर केजी एच जी जो है स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड वेपर। सैचुरेटेड वेपर की हमारी क्या है स्पेसिफिक एंथैल्पी है एच एफ जो है स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड एंड एच एफ जी जो है स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ चेंज ऑफ वेपराइजेशन दैट इज एच एफ जी इज इक्वल टू एच जी माइनस एच एफ। साइकोमेट्री में ये सब टर्म जो है ना और आप सभी की बहुत अच्छे से जो है डिस्कस की जाएगी। देखिए ये सब जो प्रॉपर्टीज पहले लेक्चर में पूरी दे दिया गया है एंड डिफरेंट लेक्चर्स ड्राइनेस फ्रैक्शन हो गया एंड देर आर लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टीज वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस टाइम। सो ये सब चीज़ें हम लोग चैप्टर वाइज जब डिस्कस करेंगे तो बहुत ईजीली हम समझ पाएंगे। अभी जो हम लोग एक बार इसे पूरी डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज एज पर नॉलेज व्हेन वी स्टार्ट द कोर्स सो आप सभी को ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। तो ये थी हमारी स्टीम क्वालिटी। स्टीम की क्वालिटी मतलब किस तरीके की क्वालिटी होती है दैट इज कॉल्ड स्टीम क्वालिटी। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया है क्यू इज इक्वल टू एम इन टू एच एफ जी। अब इसका क्या बोला गया है इन अ प्रोसेस वेयर देयर इज अ चेंज ऑफ अ फेज बिटवीन सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर है ना। सो देयर इज अ चेंज ऑफ फेज बिटवीन सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर एट द रेट ऑफ विच हीट इज सप्लाइड टू बी रिमूव्ड इज गिवन बाय।
तो वो सब चीज़ें हम लोग लेते हैं, जहाँ पर एम जो है हमारा मास फ्लो रेट है, एच एफ जी जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, एच एफ जो है एंथैल्पी ऑफ सेचुरेटेड लिक्विड जूल पर के जी, एच जी जो है एंथैल्पी ऑफ वाटर है, वाटर वेपर है, और क्यू जो है हीट ट्रांसफर रेट है, समझ गए। हाँ तो ये था हमारा आज का कंटेंट, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे की जो प्रॉपर्टीज देखेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी हो गई है, एंड टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ फॉर्मूलेज वी कन मैग्ड हियर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।